बीसीसीआई को बार बार छुट्टी का आवेदन क्यों दे रहे विराट? माँ की तबीयत नहीं, डिविलियर्स ने बताई दूसरी वजह। जो बात इंडिया के फैंस को नहीं पता, जिससे बॉलीवुड वाले भी हैं बेखबर, वो विदेशी खिलाड़ी ने बता डाली। पाकिस्तान में रची गई कोहली के खिलाफ ऐसी साजिश, पोल खुलते ही सुरक्षा एजेंसियां भी हो जाएंगी अलर्ट। विराट कोहली बार बार छुट्टी क्यों ले रहे हैं, इसका खुलासा उनके सबसे जिगरी दोस्त एबी डिविलियर्स ने कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि फैंस के लिए ये कितनी चिंता की बात है। उनके खुलासे के बाद से कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जो बात इंडिया के फैंस को नहीं पता, यहाँ की किसी खिलाड़ी तक को नहीं बताई, वो विदेश तक कैसे पहुँच गई। तो इसकी भी सॉलिड वजह पता चली है, लेकिन वो बताएं, उससे पहले सुनिए विराट ने छुट्टी कब कब ली और उनके बारे में क्या क्या बातें हुई। फिर ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में विराट के खिलाफ कौन सी साजिश रची गई। बीते करीब एक महीने में ही विराट तीन बार छुट्टी के लिए आवेदन कर चुके हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ तीन T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में छुट्टी ली, फिर बीच मैच में फुर्सत मिलते ही मुंबई लौटे और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैच में टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान होने के बाद छुट्टी का आवेदन दे दिया, जिसके बाद कई लोगों ने पूछा, भैया आखिर माजरा क्या है? सब ठीक तो है। कईयों ने विराट की माँ की तबीयत बिगड़ने की अफवाह उड़ा दी, जिसका खंडन उनके भाई ने किया। ये उनके भाई का ही पोस्ट है जिसमें वो लिखते हैं, माँ बिल्कुल ठीक हैं। शायद यही खबर सुनकर एबी डिविलियर्स ने भी विराट को फोन किया और उसके बाद जो पता चला उसे सुनकर आपको खुशी और हैरानी दोनों होगी। डिविलियर्स ने बताया कि विराट कोहली दूसरे बच्चे के पिता बनने वाले हैं, इसीलिए अपनी पत्नी अनुष्का का ख्याल रखने के लिए बार बार छुट्टी ले रहे हैं। डिविलियर्स की बातों को सच साबित करने के लिए कुछ लोग तस्वीरों का भी सहारा ले रहे हैं। उन्हीं में से एक तस्वीर ये भी है जिसमें अनुष्का की बेबी बम साफ नजर आ रही है, साथ में खड़े विराट कोहली मुस्कुराती नजर आ रही हैं। पर हमने जब इस तस्वीर की सच्चाई समझी तो पता चला कि ये साल 2018 की दिवाली की तस्वीर है। उसके अगले ही साल अनुष्का ने वामिका को जन्म दिया था, यानी साल 2019 में अनुष्का पहली बार माँ बनी थी और अब बिटिया के करीब 4 साल होने वाले हैं। तो हो सकता है कि फिर से विरुष्का ने दूसरे बेबी का पेरेंट्स बनने का प्लान बनाया हो। हालांकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक विराट और अनुष्का की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। पर ये जरूर कहा जा सकता है कि विराट की छुट्टियों को लेकर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी साजिश की है। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कि विराट कोहली की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा नहीं लिया और इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। विराट इन दिनों अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कीजिए। जब इस वायरल पोस्ट की जाँच हुई तो पता चला कि इसे पाकिस्तान की ओर से ही फैला जा रहा था। ऐसे में अगर कोहली के पाकिस्तानी फैंस को ये बात पता चलेगी तो उन्हें अपने मुल्क के उन लोगों पर गुस्सा आएगा जिन्होंने ऐसी हरकत की है। यहाँ तक कि ऐसे पोस्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट होना चाहिए और बड़ी हस्तियों को लेकर कोई भी जानकारी सामने आए तो तुरंत उसकी सही जानकारी सामने आनी चाहिए। आप भी ये जानकारी विराट के फैंस तक पहुँचाइए और कॉमेंट कर बताइए कि छुट्टियों को लेकर आप कौन सा कयास लगा रहे हैं।